बाजी आए हुए हैं, एक्सकैवेटर ऑपरेटर। सत श्री अकाल, ठीक ठाक। मशीन कैसी एयर सी ले रही है, कितना आवाज हुई भैया, तू आ लैंड है भाजी। ओ देखो, ये देखो, भविष्य में पहली बार। तो ये दोस्तों है अपना नया वो एरिया जहाँ पे चल रही है अभी गाड़ी। ये देखो इतना इधर ये उठा भी दिया है गोपी महाराज ने। इसी रास्ते पे भाई प्लेट मारने आया था, अब जा रहा हूँ मैं जो कल बोरेरिया खोला था सुबह सुबह वहीं पे, वो पीला वाला बोरेरिया है उसी को थोड़ा सुधारने, अगर सुधर जाए तो। बहुत बिगड़ा हुआ है वो बोरेरिया, सुधरने में नहीं आ रहा है ना ज्ञानी। हाँ एकदम से हाँ कर देगा तो, अपनी कुछ प्रतिक्रिया तो जताया कर। हाँ कर देगा। अरे प्रीति नहीं कह रहा हूँ, प्रतिक्रिया कह रहा हूँ। प्रीति नहीं कह रहा, जग्गू उस्ताद थोड़ा बराबर से उठाना लेवल से। एक बार और मार देना है ना, इधर से भी रास्ता जाने का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आप सबको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अभी आ चुके हैं बोरेरिया दोबारा से खोलने के लिए। खुलता कैसे बोरेरिया दिखाऊं, दिखाऊं कैसे खुलता है? इस तरीके से खुलता है, देखो अभी आपको करके भी दिखा देते हैं। इधर पानी भर गया, तो खोल देते हैं पहले गाइस जल्दी से। देख लिया आपने, इस तरीके से हैरो करना पड़ता है जमीन को या बेड को कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेड को सुखाया जाता है, सुखाना हो तो खोल के नीचे हवा लगे धूप लगे अंदरली साइड उसको पलट पलट के पलट पलट के। तो आपने देखा जैसे तीन चार दिन से हम उसको सुखा रहे हैं तो थोड़ा सा रास्ता सही हो गया है, मतलब ग्रेटर थोड़ा लोड कम ले रहा है। शुरू वाले दिन आपने देखा था कितना लोड लेके चल रहा था ग्रेटर, तो थोड़ा बीच में एक ज्यादा जो पॉइंट है ना वहाँ पे ज्यादा दिक्कत है अभी, बाकी तो थोड़ा इधर उधर तो सही हो ही गया है। बाकी देखेंगे आज इसको और एक बार पलटने आऊंगा मैं कल को, देखेंगे आज दोपहर में भी ट्राई करके देखेंगे, बोल रहे थे नरेंद्र जी। अभी दोस्त हम जा रहे हैं 66 चैनेज पे, जो कल सबग्रेड बनाना था ना वो सबग्रेड बनाएंगे। कल मिट्टी नहीं आ पाई थी, अब नया वाला बोरेडी चालू हुआ है तो वहाँ से मिट्टी आ रही होगी तो वहाँ पे सबग्रेड बनेगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फीलिंग आ रही थी। वीडियो देख लो, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। इधर भाई पूरे देखो गेहूं पकने के लिए तैयार, और ज्ञानी पूरे गेहूं ये काटेगा, करेगा दिहाड़ी सब गेहूं काटेंगे। लॉकडाउन हो तो तभी तो काटते हाँ, लॉकडाउन है नहीं काटेंगे क्या? लॉकडाउन में तो हमने फैसला कर लिया था हमने कि चलो यार चल रहे हैं दिहाड़ी करने, टाइम तो पास होगा, कमरे में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो गाइस ये देखो कितनी गाय है, सब राजस्थानी भाई आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत भाई मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, भाई मेहनत मेहनत, फिर शाम को दूध निकालना बेचना, भाई यार बहुत तगड़ी मेहनत है यार, सारी गाय को संभाल के रखना, फिर कहीं ऐसा जगह ढूंढना चराना, भाई ऐसे आसान बात नहीं है। ये राजस्थान में घास वगैरह नहीं है ना, हरियाली कम है तो इसलिए इधर आ जाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं 66 चैनल पे, और हमारे साथ है आज अरविंद भाई। तुझे देख के इतना दिल खुश हो गया अरविंद, तू दूर मत जा कर मेरे से, ठीक है? मुझे अपने पास बुलाया कर जहाँ तू हो, ठीक है? चाहे तू जहन्नुम में होइए पर मुझे बुला लिया, मैं पास वाले स्वर्ग में बैठा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आके गाइस ये थोड़ा सा वर्क किया है, ये बीटी पड़ी थी कटी हुई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बिछाया से खड्डे में कर दिया फिल, अभी इधर ये फिलिंग हो रही है जो कल बेड हमने ग्रेडिंग किया था। ये सामने पेड़े वाला है श्याम जी, और बता फिर आज क्या खिलाया अरविंद, मुंह तो दिखा दे, तेरी मुस्कुराहट में तो दुनिया फिदा है, मुस्कुराहट में तेरी दुनिया फिदा, दिखाते रहा हूँ। हाँ दिखा दिखा पीछे से, आइए हंसिए एक बार हंसिए, हाय हाय। विभास क्या खिला रहा है फिर आज श्याम पेड़े वाले? क्या आज खर्चा मिल जाएगा? अच्छा खर्चा मिल जाएगा आज? हाँ मिल जाएगा। चल ठीक है कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, आज तुझे हम खिला देंगे, कोई दिक्कत टेंशन मत ले तू यार अरविंद। अच्छा खाएगा क्या? अच्छा ये तो बता दे,
अब जो तुम्हारी इच्छा हो यार, ऐसे थोड़ी यार खाने वाले की इच्छा होती है, क्या खाएगा भाई बता 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 जल्दी बता बता क्या खा लेंगे क्या खाएगा बता। अब भाई मुझे नहीं पता, एक ही चीज एक ही चीज खा ली है, पर जो चाहे महंगी हो चाहे कोई भी चीज हो खा लीजिए, पर बता क्या खाएगा। खा लूंगा। क्या खाएगा बता। खा लूंगा मैं। जल्दी बता पहले पहले बता। अरे देख लेंगे ना, देख क्या लेंगे, देख वहाँ पे चल मैगी ना दूं तुझे, मैगी ना दूं, मैगी ना दूं वहाँ पे, गुलाब जामुन है ठीक है, लस्सी है, रसमलाई है और पेड़ा है, बर्फी है, बता फिर क्या खाएगा इन सब में से। आज साथ जो तुम खाओगे ना, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, तू बता क्या खाएगा इन सब चीजों में से, एक चीज तो पसंद कर ले। चलो गुलाब जामुन खा लेंगे ठीक है। गुलाब जामुन बस ठीक है तो चलो। अच्छा कहाँ लेके जा रहा है मुझे? एक बाजी आए हुए हैं। बाजी आए हुए हैं, एक्सेवेटर ऑपरेटर। अच्छा पुराने है ना कंपनी के? जी पहले दोस्तों हमारी कंपनी में एक है पाजी, अपने पंजाब से आए ना? पंजाब से ही। हाँ तो वो चलाते थे हमारी कंपनी बहुत पहले, मतलब मेरे से पहले जब ग्रेडर व्रेडर नहीं होता था हमारी कंपनी में। वो अब आए आपको मिलवाते हैं उनसे। चलो वो खड़ी है सामने एक्सेवेटर, वास्तु पता लग गया। बस ठीक ठाक आगे फिर है एक्सेवेटर से। चलो बढ़िया पंजाब तो है किसी जगह तो अमृतसर। हाँ देखा, मैं कहा जब भाई ने क्या मुड़के फिर मैं ला लिया साहब, मैं क्या अमृतसर ही है भाई। तो ये भी एक कर देते हैं ग्रेडिंग, सेंटर पॉइंट लगाना, सेंटर पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो भाई ये बैठ ग्रेडिंग कर दिया है देखो, अभी और डंपिंग होगी यहाँ पे, पूरा खड्डा है वो पीछे जो सब ग्रेड है इससे मैच करना है। मिट्टी आएगी अभी, मिट्टी सर अभी यहाँ पे पूरे खड्डे में आएगी ना, पूरा खड्डा ही तो है, उससे ही तो मैच होना आगे, सब ग्रेड ही तो है। ये तो मैं समझा रहा था मैं अरविंद को, मैं कैसे सीधी सीधी करवा दे खाली। इस पे चल रही है देखो रोलिंग, काफी ज्यादा इस पे लेयर आ गई। लस्सी भी होगा? लस्सी मंगाई आज अरविंद के लिए। आए हाय तेरी मुस्कुराहट। अभी अभी लस्सी के साथ में बोला ब्रेड ले लो यार, कोई तरीका बता, खाना नहीं खाया। गोविंद जल्दी दे दे, हमारे साहब लेट हो रहे हैं, थोड़ा डंपिंग करवानी साहब को हमारे को। हाथी फोन देखो भैया, आज लड़का खुश है, आज मेरा लस्सी लड़का। अरविंद एक बार हंस के दिखाइए, अरविंद हंस देना। डंपिंग दोस्तों कुछ हो गई है अभी से, इसको ग्रेडिंग करते हैं साथ के साथ, यहाँ थोड़ी सी फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा खड्डा सा दिख रहा था, इसमें एक गाड़ी और ले लेते हैं फिर इकट्ठी ग्रेडिंग करते हैं। तो इतना भाई ये देखो बैड ग्रेडिंग कर दिया, ये लग गए सेंटर पॉइंट, ये देखो सेंटर सरिये लग गए, अब सरिये लगेंगे इस पे। अरविंद 78 में जा रहा है तू, खाना खा के नहीं जाएगा? खाना खा के जाएगा, और लंच का टाइम भी हो ही गया। ए भाई इधर देखो टैंकर फंसा हुआ, एक्सावेटर खींचने में लग रही है, टूट गया, थोड़ा आगे धक्का लगा दो ना इसको। बोल देता हूं। क्यों पानी लग जाएगा ना, एक ही जगह पानी लगाओगे? हाँ धक्का रास्ता तो बनेगा कम से कम थोड़ा सा। वो दोस्तों आज आ गई 43 चैलेंज की याद, अभिषेक बंद कर देना, बंद कर देना, आगे जाके बंद कर देना। अरे गाली मत दिया करो रे, तुम्हारी फिल्म बन रही है। एडिटिंग करते हैं ऐसे ही डाल देते हैं, एडिटिंग करते हैं यार भाई, प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं इसमें। मोबाइल से या लैपटॉप है? वो है हमारे पास क्या नाम है, मैकबुक प्रो। अच्छा। अरे नहीं है यार भाई, तो? गरीब यूट्यूबर हूँ। फोन से ही करता हूँ। सब्सक्राइबर कितने आपके? ऐसे ही है कम। अब ना आए ना तो एक बार घुमा लेना ठीक है इसको, चल रेस दे, थोड़ी रेस दे ना।
चल 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 पूछे पे चढ़ जाएगी, सही हो जाएगा। एक घुमा ले यार, तो घुमा ले, कुछ नुकसान हो जाएगा। ये गलत चला गया, उधर में बैठ गया है। इधर से अगर सीधा ऐसे आता ना तो निकल भी जाता एक बार। हाँ हाँ हाँ, ये मशीन कैसी एयर सी ले रही है, कैसी आवाज हो रही है इसकी, यदि आवाज कितना दी होंडी या इधर लगता है एक इंजेक्टर ने चलता हो है ना, एक इंजेक्टर का नीचे लंडे में इधर लगा दिया ऐसा करो दोस्तों, जैसे एक इंजेक्टर में चल रहा हो, मशीन भर भर आ रही है, भर 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 भर। स्लो करो रेस, ये देखो कितना दी आवाज हुई भैया, तू आ एंड है भाजी, रेस दियो थोड़ा, कमायो इनू कमायो। ओ देखो बहुत लोड ले रही है यार, बहुत लोड ले रही है, देखियो बहुत तो, ना ना पहले तो नहीं करती थी अभी से, पहले नहीं करती थी, की दिक्कत हो रही है एदा, वो इंजेक्टर नहीं पता लगूगा, इंजेक्टर कितना पता लगता है इंजेक्टर का, पूरे इंजेक्टर चलन डे कि नहीं चलन डे पता लग जाता ना, चलो चलो देखो कितनी धुआं ले रही भाई मशीन ऑफ करी, देखियो इधर लेके ग्रेटर घुमा ले इधर आगे लेके ग्रेटर से रास्ता बनाओ, थोड़ा सही से बनाया तो है दोस्तों, ग्रेटर से रास्ता अगर निकल जाए तो टैंकर अब आराम आराम से जाना, आराम आराम से, अब से वहां चले जाएगा ना तो इसका पानी खोल देना पीछे से, जाना तो चाहिए यार अब, बस पानी खोल दे, पानी खोल दे, आगे बढ़ जाते थोड़ा सा, आगे बढ़ जाते साइड वाल भी खोल देना, ये वाल बंद कर दो, ये वाल बंद कर दो, टैंकर खाली हो जाएगा पूरा ऐसे, जूते पहन के वाल बंद नहीं हो रहा था, सही है, लीक लीक में पानी जा रहा है, ये काम भी सही हो गया, रास्ता पक्का हो जाएगा ना कम से कम, देखो कैसे खड़ा कर दिया मैंने। खोल दे वाल, खोल दे परला वाला कंट्रोल वाल, ना थोड़ा कम खोला कर, इतनी खोल ले जोर से, थोड़ा सा कम खोला कर वो परला वाला वाल ना, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतनी पूरी धूलम धूल पे जब पानी डलता है, यानी क्या हो गया यार मशीन को अच्छी खासी, पता टैंकर को धक्का लगाने को इतना धुआं दे रही है, देख रहे यार ये मशीन इतनी धुआं मारने वाली थोड़ी है, कितना धुआं मार रही है, देखो भाई ओहो देख रहे हो, जब एक बार रेस ज्यादा करते हैं उसी टाइम इतना धुआं देती है मशीन, बाद में थोड़ी यार देखियो कितना धुआं दे रही है, आन दे आन दे, सही है सही है सही है, शाबाश जान दे दबा के, ओए नीचे उतर जा तू, ऐसे मत ना खड़ा हो बे, जान दे पीछे जान दे सीधा, अरे बाबू उधर को दबा ले पैनल की तरफ को, हाँ 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 जान दे, जान दे जान दे जान दे, बस 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 ले लिया, आराम से लिया आराम से हाँ हाँ, मुझे लग रहा टैंकर ही खाली हो गया, अब रेस मत दे बस बस पीछे ले लो, थोड़ा पीछे ले ले, बस 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 आगे ले, निकल गया ओ हो गई बात, बन गई बात, रेस जाता थे ना चक्का स्लिप काट जावे, उन्होंने हड्डी लगा दी, सही किया तो गाइस वो जो फ्लाइस वाला बैठ रहा है जहाँ पानी टैंकर चल रहा था, वो बेड बना के आया, उसमें बेड बनाते मैंने तो भाई ध्यान ही नहीं रहा, देखो कितने हो गए टाइम,
1:51 हो गया लंच सारा खत्म हो गया। तो हाँ दोस्तों, हम अपने लंच में लाए थे परौंठे, चटनी, अचार, दही यहाँ से ले लिया भाई। ये सब सब्जियों से अच्छा लग रहा है खाना। तो गाइज ये सबग्रेड में अभी थोड़ी और फीलिंग आ रही है, इधर कुछ डंपिंग तोड़ दी है, अभी फिलहाल के लिए जा रहे हैं ए टू साइड। इसी के 66 चैलेंज के साथ में पांडे जी भी आ गए, इनको भी झूठे लेने हैं ग्रेडर पे। क्या काम है वहाँ पे ए टू में? थोड़ा बहुत तारीक्षण का बेड है, उसी को कम्प्लीट करना है। ओके ओके चलो। तो ये काम है, ये सूखी फ्लाइस ना आगे करनी है, वहाँ थोड़ी डंपिंग पड़ी थी वो कर दी है ग्रेडिंग। यहाँ पे एरेक्शन की चाल देनी है थोड़े से ना, यहाँ पे डाउन होता है ना बेड, ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा डाउन है, मतलब ऊपर तक नहीं है फ्लाइस, तो यहाँ पे एरेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर पैनल लोड नहीं ले पाता, फिर मतलब इधर को अंदर को भाग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्लाइस डाल के इसके बराबर करनी होती है, नीचे वाले पैनल के बराबर एरेक्शन, मतलब ये दोबारा पैनल है बीच में फंसेंगे यहाँ पे, ये फैला देंगे, इसमें पानी डल जाएगा, रोलिंग हो जाएगी, फिर ये एरेक्शन की चाल हो जाएगी। समझ के भाई साहब, एक काम कर लें, काफी ज्यादा फ्लाइस उड़ रही है, मुंह पे बांध रखे हैं गमछे दोनों भाइयों ने, पांडे जी इधर धूल खा रहे हैं वहां पे खड़े। तो ये काम दोस्तों कर दिया, अब मतलब लग जाएगा सिर्फ पानी का टैंकर, अपने चलते हैं ए वन साइड में, कोई सवारी नहीं आ रही। चलो तो इधर आके भी दोस्तों ये पूरा बेड ग्रेडिंग कर दिया था, और इसके बाद में इधर वाला भी बेड ग्रेडिंग कर दिया, इधर भी मिट्टी की चाल हो गई, इधर भी सबग्रेड बन जाएगा, आज नहीं बनेगा मतलब कल बनेगा, बाकी इधर फिलिंग है। तो भी गाइस मैं आया था चाय पीने, वो थोड़ा बेड सा बनाया था रात में फ्लाइस की चाल के लिए, उसके बाद में मैं जा रहा हूँ अब दोबारा से ए टू साइड, जब तक इधर ये फिलिंग हो रही है, फिर उसको करने के बाद फिर भाई ये सबग्रेड बनाना है, देखते हैं आज बन पाएगा कि नहीं। फिलिंग इसमें दोस्तों काफ़ी आ रही है, उस पॉइंट पे कटिंग भी है, वो कटिंग भी करनी है, ऐसे चल रहा मामला। तो ए टू साइड दोस्तों अभी मैं ये फिलिंग करके गया था ना, ये देखो पैनल के बराबर तक, नीचे वाले तक, तो अभी इस पर पानी डाला था, अभी इस पर ब्लेड मार देते फिर इनका इरेक्शन हो जाएगा, पैनल लग जाएंगे दोबारा से। तो अब दोस्तों फाइनली डिप लग रही है, ठीक है ना, ये देखो भविष्य में पहली बार, इतिहास में पहली बार दोस्तों, देखो सबग्रेड पे लोडर आ गया। यहाँ पे दोस्तों कटिंग करवाई थी ना एक्सकवेटर से, मैं आपको दिखा नहीं पाया यार, काम में इतने बिजी थे, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो गई थी, ज्यादा इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ पे बीटी इन द सेंस कि ये नीचे वाला जो डामर रोड था ना वो था यहाँ पे, तो डामर होने की वजह से ना वो थोड़ा ज्यादा काटना पड़ा, उसके ऊपर मिट्टी की थोड़ी कम फिलिंग आ रही थी, अगर डामर नहीं काटते तो ऐसी फिलिंग कर देते तो अपना स्लिप कर जाता उसके ऊपर से मिट्टी, तो इसलिए भाई पानी लेने गया है, तो इसलिए दोस्तों बीटी को काटना पड़ा तो फिलिंग हो गई, तो इसलिए ये वो मिट्टी ना यहाँ पटकवा दी थी आगे। और क्या हुआ, बस हो गया? अच्छा ठीक है, अरे थोड़ा बहुत और डलवा लेते, नहीं है एक आध लोडर एक्स्ट्रा ही डलवा लो ना। तो दोस्तों वो लोडर जा रहा है, मैं अभी ना इसे फिनिशिंग मार के निपटा ही था, इसकी लाइट बड़ी दिक्कत रही है, ये सब गेट दोस्तों यहाँ तक बन गया था, पानी पिला थोड़ा यार पहले, ये जा रहा है लोडर, देख लो दोस्तों नाइट में काम, आप कह रहे थे नाइट में काम नहीं दिखाते, तो यहाँ प्लांट पास में है ना, तो बीजीसीसी वाले ने लोडर बुला लिया था, ये तो ये मतलब ज़्यादा कटिंग नहीं, 4-5 लोडर डाले हैं उसने भर के, बस उसी से काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों करके जाना है, टाइम कितना हो गया देखिए, 8:18 हो गए, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई 9:30 बच जाएंगे। तो गाइस ये फ्लाइस की तरकारियाँ आ चुकी है अपनी, और ये सबग्रेड भाई अपना बन गया है पूरा वो आगे तक, तो इधर भी भाई रोलिंग होनी चालू हो गई है, ये अपना रोलर भी है बीजीसीसी वालों का है। अब हम भाई चल रहे हैं कमरे पे, तो पेट में बड़ा दर्द हो गया यार। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और
भाई आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई, कल मैंने वीडियो डाली थी तभी भाई मेरा दिल करा व्लॉग बनाने के लिए, ऐसे भाई सपोर्ट अपनी दिखाते रहना। मिलते हैं गाइस फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।